नागपुर शहर में गणेश विसर्जन की धूम दिखाई दे रही है और इसी बीच भारत स्काउट और गाइड की ओर से हर साल की तरह इस साल भी पर्यावरण को बचाने के लिए नागरिकों को एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। गणपति बाप्पा पूर्णिमा वर्षी। स्काउट गाइड की तरफ से आज नागपुर शहर में हर जगह पे छोटे छोटे बच्चे जो है गणेश विसर्जन में मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज उन्हीं के हेड हमारे साथ में। सर, किस तरह से आप इस गणेश फेस्टिवल को देख रहे हो? ये गणेश फेस्टिवल में तो सारे नागपुरकर बहुत उत्साह से सहभागी हैं, मगर इसे प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए या इको फ्रेंडली गणेश उत्सव मनाने के लिए नागपुर भारत स्काउट एंड गाइड की तरफ से ये छोटे छोटे हमारे कप बुलबुल आज निर्माल्य संकलन और गणेश मूर्ति निर्माल्य को संकलित करके वो बैग में भर के वह बैग गार्बेज में जो कार सती है वहाँ पर देने वाले हैं। तो एक अच्छी पहल स्काउट एंड गाइड संस्थान के द्वारा इस नागपुर शहर में चलाई जा रही है। गणपति बाप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दिया, इसी नारा देते हुए जो है आज संपूर्ण नागपुर में जो है जिस तरह से विसर्जन का माहौल चल रहा है, तो वही आप देख सकते हो कि स्काउट गाइड की बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ मेरे साथ में आज खड़ी है। वो भी कहीं ना कहीं पर्यावरण बचाने के लिए जो एक संदेश देना चाहते हैं और कहीं ना कहीं पर्यावरण को जिस तरह से POP या फिर निर्माल्य जो है जिस तरह से उसकी वजह से जो है पृथ्वी में हानि हो रही थी, इस हानि को रोकने के लिए ये लोग बच्चे जो है कारगिल दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ कुछ प्रेरणा कॉलेज से कुछ बच्चे लोग आए हुए हैं। बताइए कि आप किस मनाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हो कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको भी ऐसे लगता है कि गणेश जी का जो विसर्जन है बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए, जिसके लिए यहाँ पे जो है स्काउट गाइड की टीम पूरी खड़ी है। कैमरा पर्सन नयन के साथ स्वप्निल गुंडाड़े, NBCN न्यूज़ नागपुर।